हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मेरा नाम है कस्तूरी। आज का वीडियो है कि अकाउंट जो डीएक्टिवेट होता है, एलिमिनेट हो जाता है, इसके ऊपर मैंने एक पहले वीडियो बनाया है, फिर भी बहुत से लोगों को दिक्कत आ रही है कि उनका जो अकाउंट है एक्टिव नहीं हो रहा है, वेरीफाइड नहीं हो रहा है। तो इसके ऊपर मैं एक और वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि डिमांड बहुत है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं उसको क्या करना है। तो इसमें मैं यही बात कहूँगा कि बहुत सारी साइटें हैं, केवल आप डिजाइन क्राउड के भरोसे न रहें। 99 डिजाइन है, freelancer.com है, क्राउड स्प्रिंग है, dncontest.com है, talenthouse.com है, बहुत सारी ऐसी साइटें हैं जहाँ पे इतना पंगा नहीं है जितना डिजाइन क्राउड पे हो रहा है। ये इसका अब नियम बहुत हार्ड हो गया है कि नहीं हो रहा है, नहीं तो पहले ऐसा नियम नहीं था इसके ऊपर। तो इसलिए आप निराश होने की आपको जरूरत नहीं, आपके अंदर टैलेंट है, आप कुछ कर सकते हैं। तो दूसरी साइटों पर ट्राई कीजिए और वहाँ पर अपना अकाउंट बनाइए, वहाँ से आपका अपना प्रोजेक्ट उठाइए और डालिए। बहुत सारे ट्रस्टेड साइट हैं जिस पर उसकी विकिपीडिया चेक कीजिए, बहुत सारे जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ट्रस्टेड साइट है कि नहीं है। वैसे मैं जो नाम बता रहा हूँ ये सब ट्रस्टेड साइट है, यहाँ पे आप काम कर सकते हैं। और मैंने भी अकाउंट बना काम किया है, प्राइज पास भी हुए हैं, पेमेंट भी आए हैं पेपल के थ्रू, तो पेमेंट आएंगे। और आपको मेन मकसद ये है कि आपका वो टेस्ट लेता है, चेक करता है कि आप है भी कि नहीं लोगो डिजाइनर, या आप उसमें वहाँ पे जाके कूड़ा कबाड़ा है वहाँ पे भीड़ फैलाने के लिए आ रहे हैं कि ऐसे आ रहे हैं, तो आपका टेस्ट ले रहा था, टेस्ट में पास नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए आपका डिजाइन आपका जो अकाउंट एक्टिवेट नहीं हो रहा है। सिंपल इसको लेना है, इसको ऐसा नहीं लेना है कि कोई हेल्प कर देगा आके आपको। लोग बोलते हैं कि मेरे को हेल्प करो सर, मेरा अकाउंट एक्टिवेट नहीं हो रहा है, तो कोई आपकी जगह पे कोई डिजाइन बनाने नहीं आएगा, डिजाइन आप ही को बनाना है। तो आप अच्छे से अच्छे बनाइए ना, आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। वो ये थोड़े चाह रहा है कि अच्छे डिजाइनर को हम नहीं लेंगे, उसने एक बैरियर, एंट्री बैरियर लगा दिया है कि आप अगर अच्छे हो तभी आइए, वरना आप जाके सीखिए फिर से आइए। अगर एक्टिवेट नहीं हो रहा है तो नया अकाउंट बना लीजिए, तुरंत नहीं बनाइए, या तो पहले सीख लीजिए अच्छे से फिर बनाइए, ये नहीं कि तुरंत बनाओ फिर डीएक्टिवेट हो गया। और लोगो डिजाइन कॉन्टेस्ट में अगर आप एक्टिवेट करवा रहे हैं स्टार्टिंग में, तो कई बार मैंने कई लोगों को मना भी किया, कई वीडियो में बताया कि लोगों में मत कीजिए। लोगों में इतना टफ प्रोजेक्ट होता है ना, टफ कॉन्टेस्ट होता है कि इसमें एक्टिवेट होना बहुत टफ है। पहले अगर आप लोगो डिजाइन में भाग लेना चाहते हैं तो पहले आप किसी और प्रोजेक्ट में स्टार्टिंग में डालिए, ब्रोशर में, पोस्टर में, फ्लायर में, ऐसे प्रोजेक्ट में डाल के अपने डिजाइन को पहले एक्टिवेट कराइए। इसमें कंपटीशन कम होता है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, 3 प्रोजेक्ट बनाने आपको 3 दिन या 6 दिन भी लग जाएंगे, लेकिन एक्टिवेट होने के चांसेस ज़्यादा है। तो इसलिए मैं सलाह दूंगा, एक्टिवेट करवाना है डिजाइन क्राउड पे या किसी भी साइट पे, तो दूसरी लोगों को छोड़ के दूसरी प्रोजेक्ट में भाग लीजिए। और लोगो डिजाइन की और बारीकियाँ सीखना है तो पहले यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे दूसरे यूट्यूबर के, बहुत सारे अलग अलग कंपनी के जो कि लोगो कैसे बनाते हैं, आपको बहुत सारी बारीकियाँ सिखाएंगे। उसके ऊपर आप काम कीजिए, उसके ऊपर स्केच बना के लोगो बनाइए, नेट से मत चेपाचेपी कीजिए, तब बनाइए, एक अच्छे से मॉकअप निकालिए यूट्यूब से, साइटों से, फिर इसको डालिए, हो सकता है लोगों में आपका अप्रूवल आ जाएगा। ये नहीं कह रहा हूँ कि लोगों में नहीं आएगा, लेकिन टफ है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि लोगों में ट्राई मत कीजिए स्टार्टिंग फेज में, और आपका डिजाइन एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस वीडियो का मकसद यही था कि आपका डिजाइन एक्टिवेट नहीं होता, उसका रीज़न क्या है, उसका सोलूशन क्या है। इसमें ये मैं आपको ट्रिक बता दिया हूँ कि क्यों आपको होता है और कैसे नहीं होगा। तो होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगा, छोटी सी वीडियो मैंने बनाया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।